एबीपी न्यूज प्रस्तुत करता है भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ। न्यूज टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं अनुपम खेर। भारतवर्ष में इस बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका साम्राज्य सम्राट अशोक की तरह बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी सोच बहुत बहुत बड़ी थी। उन्होंने कहा, जो इस धरती पर जन्मा है, जो धरती को अपना मानता है, वही यहां राज करने का हकदार है। हिंदवी स्वराज उनका सपना था। हमारे चारों ओर दुश्मन है। दिल्ली की बड़ी सल्तनत मुगल बादशाह के हाथ में है और दक्षिण में सारी मुस्लिम रियासतें आपस में लड़ रही हैं। ये सब सबके सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। इन्हें हमारे किसान मजहबदार जागीरदारों पर विश्वास नहीं है। हम इसे छुटपुट लड़ाई से नहीं जीत सकते। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। मामले पर आकर किसान हर पंथ हम सबको एक साथ होना होगा। हम सब मिलकर अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे। मैं अपने रक्त से ये शिवलिंग का अभिषेक करके प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए लड़ूंगा। भारतवर्ष में इस बार छत्रपति शिवाजी, महानायक जिनके पास आचार्य कौटिल्य जैसी सोच थी, जिसके पास महाराणा जैसे शौर्य और बल था। शिवाजी का जन्म हुआ पूना के पास शिवनेरी के किले में। मां का नाम था जीजाबाई और पिता थे शाहजी भोसले। पिता जागीरदार थे। लालन पालन में बड़ी भूमिका मां जीजाबाई की रही, क्योंकि पिता शाहजी भोसले को राजकाज के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था। जीजाबाई निडर और प्रतिभाशाली महिला थी। वो शिवाजी को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाती, उन्हें धर्म ज्ञान और जीवन के आदर्श की बातें समझाती थी। शिवाजी के बाल मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ देश के हालात तो ऐसे थे ही जिसे समझना शिवाजी जैसे विलक्षण बच्चे के लिए मुश्किल नहीं रहा होगा। 17वीं शताब्दी का भारत, शिवाजी जब पुणे में बड़े हो रहे थे, यह वो समय था जब भारत में मुगल वंश अपने चरम पर था। इस मुगल सल्तनत का बादशाह था शाहजहां। इस समय मुगल सल्तनत को भारत में किसी से चुनौती नहीं थी। उनकी महत्वाकांक्षा अब सिर्फ यही थी कि भारत के दक्षिण राज्य मुगल सल्तनत का हिस्सा बन जाएं। दक्षिण का इलाका दक्कन कहलाता था, जहां अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा जैसे राज्य अपनी जड़ें जमा चुके थे। अहमदनगर में निजाम शाही वंश के शासक थे, बीजापुर में आदिल शाह के और गोलकुंडा में सुल्तान कुली कुतुबुल मलिक के वंशजों का शासन था। बीजापुर के राजा को आदिल शाही कहते थे, जबकि गोलकुंडा को कुतुब शाही। ये राज्य स्थानीय जागीरदारों के जरिए राज चलाते थे। बीजापुर सुल्तान ने पुणे की जागीर शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को दी थी, जिसकी निगरानी दादाजी कोंडदेव नाम के व्यक्ति करते थे। दादाजी, ये किला किसका है? ये तोरण का किला है, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का। पर पुणे की जागीर तो हमारी है, तो फिर किला उसका कैसे हो गया? छोटे राजा साहब, जागीर का मतलब ये नहीं होता कि हमारा उस पे मालिकाना हक है। दादाजी कोंडदेव बालक शिवाजी के मन में उठने वाले ऐसे कई सवालों का जवाब देते होंगे, इस बात का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। एक वर्ग है जो दादाजी की गिनती शिवाजी के गुरु के तौर पर करता है, जबकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि दादाजी कोंडदेव जागीर के अधिकारी थे और उनकी भूमिका गुरु जैसी नहीं थी। वो गुरु थे या नहीं, प्रशिक्षक थे या नहीं, ऐसे महाराष्ट्र में दो मत प्रवाह है। तो जब शिवाजी महाराज बेंगलोर से पुणे आ गए बचपन में, तो शाहजी राजे ने, उनके पिताजी ने, कुछ मार्गदर्शक लोग 10-12 लोग उनके साथ में, जीजाबाई और शिवाजी जो छोटा थे उनके साथ में दिए। तो कान्होजी जयदेव देशमुख हैं, कृष्णाजी लोहकरे हैं,
दादूजी कोंडदेव है, ऐसे 8-10 नाम हैं, तो उन्होंने उनको मार्गदर्शन करने के लिए भेजे थे। तो बहुत सारे लोगों में ये दादूजी कोंडदेव भी थे। बहरहाल शिवाजी और साहस का रिश्ता और उनके नेतृत्व करने की क्षमता बहुत जल्द लोगों को दिखने लगी। जंगल शिवाजी के लिए खेल का मैदान था। ऊना जिले के पश्चिम भाग में बड़ा पहाड़ी इलाका मावल प्रदेश कहलाता है। पहले पहल शिवाजी के लिए यही मावल भरोसेमंद सैनिक और दोस्तों का इलाका बना। शिवाजी ने लोगों को एकजुट कर लड़ाकुओं की एक टोली खड़ी कर ली। 3 साल तक शिवाजी महाराज 12 मावल के गांव, हर गांव में घूमे हैं। वहां की हर वादी, वहां का हर रास्ता, वहां का हर पहाड़ उनको परिचित हो गया। और जब उनको मालूम पड़ा कि ये लोग शेर से भी लड़ सकते हैं, गरीबी भूखमरी में मरने से अच्छा वो शेर से पंगा ले सकते हैं, लेकिन वो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको कोई नेता चाहिए, अगर उनको गाइड करने वाला कोई आदमी बने मिले तो गाइडेड मिसाइल की तरह वो काम कर सकते हैं। मावल इलाके की टोली सिर्फ अति उत्साही नवयुवकों की टोली नहीं थी, शिवाजी के नेतृत्व में इनके इरादे बड़े थे। 1645 की एक चिट्ठी का जिक्र आता है जिसे दादाजी कोंडदेव ने लिखा है। इस चिट्ठी के मुताबिक एक दिन शिवाजी ने अपने साथियों को मंदिर में बुलाया और उनके साथ मिलकर एक बड़ी प्रतिज्ञा ली। ये प्रतिज्ञा हिंदवी स्वराज्य की। हमारे चारों ओर दुश्मन है, दिल्ली की बड़ी सल्तनत मुगल बादशाह के हाथ में और दक्षिण में सारी मुस्लिम रियासतें आपस में लड़ रही हैं। ये सब सबके सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। इन्हें हमारे किसान मजहबदार जागीरदारों पर विश्वास नहीं है। हम इसे छुटपुट लड़ाइयों से नहीं जीत सकते। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। मामले बनाकर किसान हर पंथ हम सबको एक साथ होना होगा। हम सब मिलकर अपने स्वाभिमान और स्वाधीनता के लिए लड़ेंगे। मैं अपने रक्त से शिवलिंग का अभिषेक करके प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए लड़ूंगा। शिवाजी राज्याची कल्पना है। शिवाजी महाराज के स्वराज्य की कल्पना एक राज्य की है। हिंदवी का मतलब सिर्फ हिंदुओं का राज्य नहीं है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन और बाकी सभी धर्म शामिल थे। उस वक्त हिंदुस्तान में जितने भी धर्म थे वो सभी हिंदवी स्वराज्य आ गए। उस वक्त मराठा की परिभाषा क्या बन गई थी? आदिल शाह का नौकर, निजामी शाही के दरबार का नौकर, मुगलों के दरबार का नौकर, यही मराठाओं की पहचान थी। ये जो मानसिक गुलामी है उसको शिवाजी ने तोड़ दिया। गुलामी एक मानसिक स्थिति है, इसलिए इसे तोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण काम था। गुलामगिरी कैसे है, ही जी कॉन्सेप्ट है, ही मानसिक है, लक्षण है। हिंदवी स्वराज की स्थापना के इरादे से 1646 के लगभग शिवाजी ने पुणे और इसके आसपास के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। शिवाजी ने अपनी टोली के योद्धाओं को एकजुट कर किलों पर कब्जे का अभियान शुरू किया। उन दिनों किलों के जरिए ही रियासत स्थानीय प्रशासन को चलाता था। एक किला एक जागीर का प्रतीक होता था। ऐसे किले पूरे बीजापुर रियासत में फैले थे। शिवाजी ने किलों पर कब्जे के लिए सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं की, बल्कि कहीं सुलह तो कहीं कूटनीति का इस्तेमाल किया। कब्जे से मिलने वाले धन से शिवाजी ने अपने लिए किला बनवाना शुरू किया। इसे नाम दिया रायगढ़। वॉर की जो टेक्निक शिवाजी महाराज ने बनाई, उनके पिताजी का बहुत बड़ा उसमें गाइडेंस था। उस टेक्निक को बोलते गनीमी कावा। गनीम बोलेगा तो दुश्मन, और कावा मतलब उसको फंसाने के तौर तरीके। कावा मतलब टैक्टिक्स। दुश्मन से लड़ना नहीं है, आप लड़के युद्ध जीतेंगे वो जीत नहीं है, आप दुश्मन को युद्ध शुरू करने के पहले हरा दे, वो तलवार मैन से बाहर निकाले उससे पहले उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दे, ये वॉर की एक टेक्निक है। बीजापुर के सुल्तान को इसकी खबर लगी और उसने किले का काम रुकवा दिया और शिवाजी के पिता को बैंगलोर से दरबार में बुलाया। शाह जी को ही बीजापुर सुल्तान ने पुणे की जागीर सौंपी थी। गुस्ताखी माफ हो, शिवाजी ने जो आपके साथ किया उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं थी, अन्यथा मैं उसे रोकने की कोशिश करता। उसने आपके साथ तो बगावत की, मेरा कहा भी नहीं मानता।
शाहजी भोसले को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में मतभेद की वजह से आदिल शाह ने पिता शाहजी को बीजापुर में कैद कर लिया। ये वो समय था जब दिल्ली का बादशाह शाहजहां दक्कन में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में था। शिवाजी को यह बात पता थी, पिता की रिहाई के लिए शिवाजी ने एक जबरदस्त रणनीति अपनाई। उन्होंने बादशाह शाहजहां को चिट्ठी लिखकर मुगलों के लिए काम करने का प्रस्ताव रखा। शाहजहां तो वही चाहता था कि मुगलों की ओर से कोई मराठा सरदार हो जो राज चलाए और आदिल शाह का सल्तनत भी ज्यादा न बढ़े। भले ही दोनों सत्ता मुसलमान थी, लेकिन राज पॉलिटिक्स है, कोई सत्ता बड़ी हो या किसी, कोई भी चाहता नहीं। शाहजहां भी वही चाहता था। फिर उसने दिल्ली से दबाव बना लिया आदिल शाह के ऊपर कि शिवाजी के पिताजी शाहजी को आप छोड़ देंगे, कैद से मुक्त कर देंगे। और दिनांक जो डेट था 16 मई 1649 यानी 1649 16 मई उस समय उनको छोड़ दिया गया। पिता शाहजी को कैद से छुड़ाने के लिए शिवाजी को सिंगढ़ किला बीजापुर की रियासत को सौंपना पड़ा। शिवाजी ने पिता को बंदी बना लिए जाने के बाद तकरीबन 7 साल तक विस्तार की अपनी नीति को रोक लगा दी। लेकिन 1656 में एक बार फिर शिवाजी ने अपना रुख बदला। अब की बार उनके निशाने पर पुणे के दक्षिण में स्थित जावली था। सतारा जिले में महाबलेश्वर पहाड़ के करीब जावली नाम का एक गांव है। यहां 16वीं शताब्दी में ही चंद्रराव यशवंत मोरे नाम का एक व्यक्ति बीजापुर का जागीरदार था। ये देखो शिवाजी ने मुझे क्या पत्र भेजा है। इसमें लिखा है तुम मेरे अधीन मांडलिक बन जाओ। तुम बीजापुर को जो रकम देते हो वो रकम मुझे दिया करो। अगर ये मंजूर नहीं तो युद्ध के समय 5,000 घोड़सवारी और सैनिकों के साथ मेरी मदद क्या करो। तुम अपनी जागीर में रहकर मेरे लिए काम करना चाहिए, मेरे लिए काम कर। अगर मेरे साथ नहीं रहे, अगर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र या चाल चले तो जावली को जीत कर तुम्हें कैद किया जाएगा। कहते हैं कि मोरे के पास अकूत धन और 12,000 की पैदल सेना थी। शिवाजी के राज्य विस्तार में जावली एक बड़ी बाधा थी, क्योंकि वो बातचीत से मानने को तैयार नहीं थे। वो कल का लड़का अपने आप को समझता क्या है? मैं चंद्रराव यशवंत मोरे, उसको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। जाओ तुम लोग जाओ। जावली के जागीरदार चंद्रराव यशवंत मोरे ने शिवाजी की बात नहीं मानी। शिवाजी नहीं चाहते थे कि ज्यादा खून खराबा हो, लेकिन जावली पर कब्जा उनकी जरूरत थी। लिहाजा शिवाजी ने अपने एक भरोसेमंद योद्धा रघुनाथ को जावली के किले में भेजा। रघुनाथ बातचीत के बहाने उसके पास गया और चंद्रराव मोरे की हत्या कर दी। दूसरी तरफ पास ही छिपे शिवाजी ने कुछ सैनिकों के साथ जावली पर धावा बोल दिया। कुछ घंटे की लड़ाई के बाद जावली पर शिवाजी का कब्जा हो गया। जावली पर कब्जे से उत्साहित शिवाजी की महत्वाकांक्षा बढ़ चुकी थी और उनका कद भी। 1656 में ही मुगलों की सेना बीजापुर के खिलाफ अभियान में व्यस्त थी। शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों के कब्जे वाली दक्कनी इलाके पर हमला कर दिया। उस समय दक्कन का गवर्नर कोई और नहीं, खुद औरंगजेब था। मगर इस हमले ने शिवाजी और आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। उस बदमाश को खत्म कर दो। जिस किसी भी गांव में उसको पना मिले उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। उस गांव के लोगों पर किसी भी तरह का कोई रहम ना किया जाए। उन्हें मारो और उनकी संपत्ति अपने कब्जे में कर लो। औरंगजेब के आदेश के बाद उसके सैनिकों ने शिवाजी का पीछा शुरू किया। गांव के गांव तहस नहस हुए, ग्रामीण मारे गए, लेकिन शिवाजी मुगलों के कब्जे में नहीं आए। मानसून शुरू होने के बाद मुगलों ने शिवाजी का जंगलों में पीछा करना छोड़ दिया। इस बीच बीजापुर ने औरंगजेब से समझौता कर लिया। शिवाजी को भी
औरंगजेब से समझौता करना पड़ा। शिवाजी ने समझौते के लिए औरंगजेब को एक पत्र लिखा। हमारी पुश्तैनी जागीर को पक्का करने हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार होंगे। मैं 500 बेहतरीन सैनिकों के दस्ते को आपकी सेवा में लगा सकता हूं। इसके अलावा शाही अधिकारियों के साथ जहां कहीं भी सीमा पर जरूरत हो मैं अपनी सेवा देने के लिए हाजिर रहूंगा। दिल्ली में उस समय औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई थी। औरंगजेब की नजर में शिवाजी एक बड़ी मुसीबत थे। वो नहीं चाहता था कि जब वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहा हो उस समय उसकी रियासत के दक्षिण छोर पर कोई गड़बड़ी हो। लिहाजा औरंगजेब ने शिवाजी से टक्कर लेने का इरादा छोड़ दिया। महाराज, औरंगजेब ने लिखा है, तुम्हारी अर्जी मिली, हालांकि तुम्हारे गुनाह बहुत ज्यादा और बहुत संगीन है, लेकिन तुमने हमारी सल्तनत के लिए आगे से हमेशा वफादार रहने और उसके फायदे में काम करने का भरोसा दिया है। मैं रहम करके तुम्हारे गुनाह के पन्नों को मिटा रहा हूँ इस भरोसे से कि दोबारा तुम इस तरह की गलती नहीं करोगे। बीजापुर के जो भी किले तुमने लिए हैं वो तुम्हारे पास रहेंगे। दाभोल के बंदरगाह की चुंगी तुम रख सकते हो। आगरा की गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को पत्र लिखा और शाही कपड़े भेजे और कहा कि सल्तनत के खिलाफ कोई काम न किया जाए। दरअसल शिवाजी और औरंगजेब दोनों को ही एक दूसरे पर कतई भरोसा नहीं था। आगरा कूच करने से पहले औरंगजेब ने चेतावनी दी थी कि शिवाजी से सतर्क रहें और उन्हें पहाड़ी चूहा कहा था। दूसरी तरफ शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का प्रण ले लिया, लेकिन यह प्रण सिर्फ किले और रियासतों को जीतने से पूरा नहीं होता। इस स्वराज्य की स्थापना में आम जनों के कल्याण, स्वाभिमान और स्वाधीनता का आदर्श सबसे ऊपर था। दूसरी तरफ शिवाजी समझ गए थे कि मुगलों या आदिल शाही सुल्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनकी सेना और प्रशासन का चुस्त होना बेहद जरूरी है। इसके बाद शिवाजी ने घुड़सवार फौज को बढ़ाने का काम शुरू किया, नौसेना नेवी का विकास शुरू किया और रुख किया कोंकण की तरफ। जल्द ही भिवंडी से लेकर महाड़ तक के 140 किलोमीटर के इलाके पर शिवाजी का कब्जा हो गया। शिवाजी बीजापुर के आदिल शाह को सीधी चुनौती दे रहे थे। आदिल शाह ने अपने कुख्यात जनरल अफजल खां को शिवाजी को खत्म करने के लिए भेजा। मैं अब्दुल बटियारा उर्फ अफजल खान इस जंग की अगुवाई करूं और शिवाजी को हराने के लिए मुझे घोड़े से भी उतरने की जरूरत। अफजल खान अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अफजल खान की फौज शिवाजी की सेना को खदेड़ने लगी। शिवाजी ने प्रतापगढ़ के किले में शरण ली। मराठों की हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा शिवाजी के कुछ सलाहकारों ने अफजल खान से समझौता करने का प्रस्ताव दिया। ना ना ना, कोई समझौता नहीं, हमारी जीत निश्चित है। भगवा कभी झुकेगा नहीं, मां भवानी ने हमें जीत का भरोसा दिलाया है। शिवाजी अडिग रहे क्योंकि उनके पास एक रणनीति थी जो पूरी तरह से उनकी बहादुरी पर टिकी हुई थी। रणनीति की शुरुआत इस बात से हुई कि शिवाजी ने यह कहना शुरू किया कि अफजल खान जैसे सेनापति का मुकाबला वो कतई नहीं कर सकते और वो हथियार डालने के लिए तैयार है, बशर्ते कि उनकी जान बख्श दी जाए। बात अफजल खान तक पहुंची। मराठों की हालत देखकर अफजल खान को इन बातों पर यकीन हो गया। अफजल खान ने कृष्णाजी भास्कर नाम के एक दूत को शिवाजी के पास भेजा इस संदेश के साथ कि उनके पिता शाहजी भोसले उसके दोस्त रहे हैं और उसकी मंशा शिवाजी को आदिल शाह की सेवा में जोड़ने भर की। शिवाजी यही चाहते थे। गोपीनाथ ने शिवाजी के लिए नया रास्ता खोल दिया था। शिवाजी गोपीनाथ से मिले और उसे धन और धर्म की बात कर अपने पक्ष में कर लिया। आप तो ब्राह्मण हैं गोपीनाथ जी, धर्म की रक्षा कीजिए।
आप बताइए कि हमने ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारे धर्म के लोगों को परेशानी हुई। मैंने तो हिंदुओं की रक्षा के लिए ही तलवार उठाई है। इस अफजल खान ने मुझे मारने के लिए न जाने कितने मंदिर गिराए, यहां तक कि पंधरपुर के मंदिर को भी अपने हाथों से अशुद्ध किया है। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूं, आप बस आज्ञा कीजिए। कहा जाता है कि गोपीनाथ ने मां भवानी के सामने शिवाजी की मदद करने का प्रण लिया और अफजल खान को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक शिवाजी और अफजल खान को मिलना था। अफजल खान मिलने को तैयार हो गया। किले से कुछ दूरी पर मिलने का फैसला हुआ। कहा गया कि दोनों के साथ एक एक अंगरक्षक ही आएंगे। शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात की जगह एक खुली जगह पर शामियाने के नीचे रखी गई थी। शामियाने में दोनों तरफ से चार चार लोग मौजूद थे, दो दो अंगरक्षक और दो दो वार्ताकार। शिवाजी बाहर से बिना किसी शस्त्र के दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब वो अफजल खान से मिलने पहुंचे तो देखा कि उसके कमर में एक छुरा लटक रहा है। अफजल खान कद में शिवाजी से बहुत बड़ा था। शिवाजी के सामने आते ही अफजल खान गले मिलने के लिए आगे झुका। शिवाजी के लिए यही मौका था। अफजल खान मारा गया, उधर योजना के मुताबिक अगली कार्रवाई शुरू हो गई। शिवाजी की योजना के मुताबिक उनके सैनिक अफजल खान के कैंप के पास पहले से मौजूद थे। हमले की सूचना मिलते ही मराठा सैनिकों ने अफजल की सेना पर हमला कर दिया। इस जीत ने शिवाजी का कद काफी बड़ा कर दिया, लेकिन अगली चुनौती भी जल्दी ही आ गई। चुनौती थी मुगल गवर्नर शाइस्ता खान। इस बार औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण के अभियान पर भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल पर भी कब्जा कर लिया, जहां शिवाजी का बचपन बीता था। शिवाजी के हिंदवी राज्य का सपना चूर चूर हो रहा था। शिवाजी ने शाइस्ता खान पर हमले के लिए एक खास योजना बनाई, जिसे आज की भाषा में सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं। पुणे के अंदर किसी भी मराठी के आने पर पाबंदी थी, लिहाजा बाराती बनकर शिवाजी और उनके कुछ खास गिने चुने सैनिक शहर के अंदर घुसे। रात हुई तो पहरेदारों को मारकर दीवारों में छेद कर महल के अंदर शाइस्ता खान के कमरे तक पहुंच गए। शिवाजी और उनके सैनिकों के अचानक हमले से घबराकर शाइस्ता खान तेजी से भागता हुआ महिलाओं के कमरे में घुस गया और अपनी जान बचाई, लेकिन हमले में उसकी उंगलियां कट गईं। शाइस्ता खान तो बच गया, लेकिन उसका बेटा और कई मुगल अधिकारी मारे गए। वो तो गर्दन पे निशाना था, लेकिन वो छलांग लगा करके भाग गया, तो तीन उंगलियां ऐसे पकड़ते वक्त काट दी। तो पूरी जिंदगी भर वो याद रह करता होगा ये तीन उंगलियां शिवाजी। पूरी जिंदगी में उसको याद शिवाजी महाराज की आती होगी। तो शिवाजी महाराज का ये सर्जिकल अटैक पुणे में हुआ था। 5 लाख की फौज में 400 लोगों का घुसना, वो सफलतापूर्वक उसको मार के फिर से वापस आना। तो आज जो सर्जिकल स्ट्राइक का इतना ये हो रहा है, उस समय बहुत सारे सर्जिकल स्ट्राइक शिवाजी महाराज ने किए। शिवाजी यही नहीं रुके, 3 साल तक पुणे पर शाइस्ता खान और उसकी सेना का कब्जा रहा। इससे जान माल की भारी हानि हुई, लिहाजा शिवाजी ने मुगलों के मुख्य व्यापारिक शहर सूरत पर हमला करने का फैसला किया। इनायत खां बहादुर नाम का एक वो सूरत का सरदार था, औरंगजेब का राज करने वाला वहाँ का सूबेदार था, जो प्रशासन चलाता था। शिवाजी महाराज ने वकील भेज दिया कि आपका शाइस्ते खान हमारे हिंदवी स्वराज के ऊपर युद्ध किया, युद्ध खर्च हम चाहते हैं, इतना इतना हमें दे दो, हम नहीं आपके ऊपर हमला करेंगे। तो इनायत खां बहादुर ने इग्नोर कर दिया, बेदखल कर दिया, और दूसरे दिन महाराज ने हमला कर दिया।
सूरत पर हमला बादशाह औरंगजेब को सीधी चुनौती थी। शाइस्ता खां की विफलता के बाद औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ आजमाने का फैसला किया। जयसिंह कुशल योद्धा था और वो औरंगजेब के कई सफल युद्ध अभियानों का हिस्सा रह चुका था। वो सबसे पहले पूना पहुंचा और उसने पुरंदर के किले को घेर लिया। मुगलों की फौज ने वहां जमकर लूटपाट मचाना शुरू किया। कहा जाता है कि पुरंदर के किले में 4000 मराठा सैनिक, 3000 औरतों और बच्चों की जान खतरे में पड़ गई थी। शिवाजी ने मुगलों की भारी भरकम सेना को रोकने के लिए संधि का फैसला किया। 23 किले और उसके आसपास की जमीन पर बादशाह का अधिकार होगा। 12 किले पर शिवाजी महाराज का अधिकार होगा, जिसकी वार्षिक आमदनी 1,00,000 हूण प्रतिवर्ष होगी। शिवाजी महाराज बादशाह की प्रजा बनकर रहेंगे, लेकिन उन्हें मनसबदार और दक्षिण के राज प्रतिनिधि की तरह बादशाह के दरबार में हाजिरी देना जरूरी नहीं। ये संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने बहुत कुछ कमाया है। इतिहास को ये सब बातें नहीं दिखती है, क्योंकि जो ख़त्म करने के लिए आया था शिवाजी महाराज को, उसने उनको जिंदा रखा है। जो स्वराज को ख़त्म करने के लिए आया था, उसने 12 किले शिवाजी महाराज के पास रखे हैं। और प्लस शिवाजी महाराज के जो लड़के थे शंभू, इनको 6000 की मनसबदारी दी है। 6000 की मनसबदारी मतलब आज की केंद्र में मिनिस्ट्री मिली है। महाराज, आप जैसे शूरवीर और बुद्धिमान योद्धा तो वेरले ही हुए। आपके बारे में चर्चा तो दिल्ली और आगरा तक हो रही है। हम चाहते हैं कि ये संधि हमारे और आपके बीच के संबंधों में ना आए। शिवाजी और मुगलों के बीच हुई इस संधि को पुरंदर की संधि कहते हैं। इसी संधि के मुताबिक शिवाजी राजा जयसिंह के साथ बीजापुर के खिलाफ लड़ने भी गए, लेकिन शुरुआती सफलता के बाद काफी दिनों तक मुगल सेना फंसी रही, लेकिन बीजापुर पर सफल नहीं हो पाए। तभी औरंगजेब की एक चिट्ठी शिवाजी को मिली। मुझ पर भरोसा रखते तुम बेफिक्र होकर जल्द से जल्द आगरा चले आओ। मेरे दरबार में हाजिरी के बाद तुम्हें मुगल सल्तनत का समर्थन मिलेगा, जिससे तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा और तुम्हें वापस जाने की इजाजत भी मिल जाएगी। महाराज, मन में शंका बिल्कुल भी मत रखिए। बादशाह अपने वचन से कभी पीछे नहीं है। भरोसा रखिए उस पर, वहां आपके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाए। खुद मेरा पुत्र कुंवर राम सिंह वहां आपकी सेवा में हाजिर है। हैरानी की बात है कि जयसिंह ऐसे समय में शिवाजी को आगरा जाने के लिए कह रहा था, जब मुगल सेना बीजापुर की चुनौती से मुश्किल में थी। दरअसल जयसिंह को यह आशंका थी कि शिवाजी पाला बदलकर बीजापुर के साथ जा सकते हैं। वैसे भी मुगल शिवाजी के अधिकार वाले 2/3 क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे। ऐसे हालात में मुगल शिवाजी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए उन्हें दक्कन से बाहर करना चाहते थे। इससे दक्षिण में बीजापुर और शिवाजी के गठबंधन का खतरा हमेशा के लिए टल जाता। शिवाजी लगता है मुगलों की इस रणनीति को समझ नहीं पाए और राजा जयसिंह के बहुत मान मनोबल के बाद बादशाह औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो। शिवाजी अपने पुत्र, कई मंत्री, 1000 अंगरक्षकों के साथ आगरा के लिए चल दिए। रास्ते में शिवाजी को देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ उमड़ जाती थी। कई जगह मुगल अधिकारी उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। बादशाह को सलाम। शिवाजी जब औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो उनके साथ रूखा व्यवहार हुआ। आइए महाराज। उस दिन दरबार में औरंगजेब के जन्मदिन की सालगिरह मनाई जा रही थी और उसी दिन दरबार में शिवाजी के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा था। पहले तो शिवाजी के स्वागत के लिए कोई बड़ा मनसबदार या मंत्री नहीं आया और अब उन्हें छोटे मनसबदारों के साथ खड़ा कर दिया गया। शिवाजी को नजरअंदाज करने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। सालगिरह के मौके पर बादशाह की तरफ से दरबार में मौजूद शहजादे, वजीर और महाराजाओं को सिरोपाओ और तोहफे बांटे गए, लेकिन शिवाजी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस अपमान से शिवाजी गुस्से से लाल हो गए।
क्रोध और दुख से उनकी आंखें डबडबा गईं। इस बीच औरंगजेब शिवाजी के चेहरे को पढ़ चुका था। वो दरबार से औरंगजेब को पीठ दिखाकर निकल आए। उस समय औरंगजेब के सामने खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आंख में आग डालने की तो बहुत दूर की बात, लेकिन एकमात्र ऐसा टाइगर था शिवाजी महाराज। उन्होंने उस भरे दरबार में सभी लोगों के सामने औरंगजेब का अपमान कर दिया, क्योंकि संताप आ गया और महाराज ने भरी दरबार में पीठ दिखा करके महाराज चले गए। राम सिंह, जाओ जरा पूछो ये शिवाजी की तबीयत कैसी। देखा है, तुम्हारे बाप जय सिंह ने देखा है, तुम्हारे बादशाह ने देखा है। क्या मैं ऐसा हूं कि मुझे खड़ा रखा जाए? बोलो, क्या मैं ऐसा हूं? मैं तुम्हारा मनसब छोड़ता हूं। मेरा सर काट के ले जाना है तो ले जाओ, परंतु मैं तुम्हारे बादशाह की सेवा में नहीं आने वाला। मुझे मारना चाहो तो मारो, कैद करना चाहो तो कैद करो, लेकिन मैं ये सरोपाव नहीं पहनूंगा। औरंगजेब अब शिवाजी को कैद या मौत की सजा पर विचार करने लगा, लेकिन राम सिंह ने शिवाजी की जिम्मेदारी लेकर औरंगजेब को किसी कड़े फैसले से रोका। राम सिंह ने शिवाजी की जिंदगी की जमानत लेकर उन्हें आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। उधर आगरा में नजरबंद शिवाजी आजाद होने के तरीके ढूंढ रहे थे और औरंगजेब उन्हें किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार शिवाजी ने आगरा के किले से निकलने का एक नायाब तरीका खोजा। शिवाजी ने आगरा में मौजूद अपने अंगरक्षक, मित्र और साथियों को वापस दक्षिण भेजने का आग्रह किया। उनके इस अनुरोध को फौरन मान लिया गया। शिवाजी आगरा में अब अकेले रह गए थे। कुछ दिनों बाद ही शिवाजी बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में लेट गए। वो लोगों से कम मिलने लगे। इस बीच वो बीमारी दूर करने के लिए फलों की टोकरी ब्राह्मण और साधुओं को दान में भिजवाने लगे। हर शाम फल की टोकरी किले से बाहर निकलती थी। टोकरी को डंडे के सहारे लटकाकर दो कहार किले से बाहर ले जाते थे। पहरेदारों ने शुरू में कुछ दिनों तक तो टोकरी की छानबीन की, लेकिन बाद में उन्होंने जांच करना छोड़ दिया। शिवाजी को इसी मौके का इंतजार था। और फिर एक दिन शिवाजी अपने बेटे शंभू जी और भरोसेमंद लोगों की मदद से भाग निकले। बाहर निकलकर शिवाजी उसी दिशा की ओर बढ़े जिधर से धुआं उठ रहा था। कहा जाता है कि बर्तन बनाने वाले एक कुम्हार ने शिवाजी को सही रास्ता बताने के लिए पहले से ही ये इंतजाम कर रखा था। इट वॉज अ सिग्नल सिस्टम इंडिकेशन, आग जगह जगह, मतलब इजिएस्ट वे फॉर द एस्केप, जहां पर ज्यादा पहरे नहीं होंगे, मिनिमम रिस्क होगा, ये कुम्हार ने कर दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि आम लोग शिवाजी महाराज को बचाने के लिए आगे आए हुए हैं। कहते हैं शिवाजी आगरा से निकलने के बाद प्रयाग यानी इलाहाबाद गए, वहां गंगा स्नान किया। इसके बाद बुंदेलखंड, गोडवाना, गोलकुंडा होते हुए करीब 4 महीने के बाद आज के महाराष्ट्र पहुंचे। इसके बाद 3 साल तक वो चुप बैठे थे। औरंगजेब ने भी उत्तर की लड़ाइयों में फंसकर दक्षिण की ओर ध्यान देना कम कर दिया। लेकिन 3 साल बाद शिवाजी ने जब दक्षिण की मुगल सेना पर हमला शुरू किया तो औरंगजेब के कान खड़े हो गए।
शिवाजी की सेना ने फिर से सूरत पर हमला किया और दक्षिण के किलों पर फिर से अधिकार कर लिया। एक के बाद एक आक्रमण कर शिवाजी ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, फिर भी उन्हें संप्रभुता संपन्न राजा का दर्जा नहीं मिला था। शिवाजी को एक स्वाधीन राजा बनना था। इसकी औपचारिक घोषणा के लिए शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक का एक भव्य आयोजन किया। अंग्रेज है, फ्रेंच है, स्पैनिश है, डच है, ऐसे काफी, रशिया से कुछ लोग हैं, यूरोप से कुछ लोग हैं, ऐसे सारे लोग रायगढ़ किले पे मौजूद थे। और इतना भव्य और दिव्य राज्याभिषेक 800 साल में किसी का नहीं हुआ था। शिवाजी ने राज्याभिषेक से पहले वहां मौजूद अपनी मां जीजाबाई से आशीर्वाद लिया। उन्होंने सिर पर मणियों से जड़ा छत्र धारण किया और वो छत्रपति राजा बने। छत्रपति शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी, बने शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के, शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के, शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के। शिवाजी के राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। जीजाबाई हमेशा शिवाजी के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती थी और उन्होंने भी शिवाजी के साथ एक स्वाभिमानी और स्वतंत्र राज्य का सपना देखा था। हिंदुस्तान के बाकी सभी राज्य सिर्फ राज्य थे। शिवाजी ने जो राज्य स्थापित किया वो स्वराज्य था। हमारा राज्य, लोगों का राज्य, भूमि पुत्र का राज्य, जाति समुदाय और धर्म के भेदभाव से अलग राज्य। ये राज्य उसका था जो इस देश में रह रहा था। ये लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वश्रेष्ठ विचार था जो शिवाजी महाराज ने दिया। मोस्ट सेक्युलर ऐसी कॉन्सेप्ट है। छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब को भी धर्मों के आधार पर फर्क न करने की सलाह दी थी, वो भी तब जब उसने हिंदुओं पर लगने वाला कर जजिया को दोबारा लगा दिया था। यह चिट्ठी ऐतिहासिक महत्व की है। बादशाह आलमगीर सलाम, सुनता हूं कि मेरे साथ लड़ाई के कारण खजाना खाली हो गया है और इसी कारण आप हुक्म दे बैठे हैं कि जजिया नाम का कर हिंदुओं से वसूल किया जाए जिससे कि खजाने की कमी पूरी हो सके। बादशाह सलामत, इस साम्राज्य रूपी भवन के निर्माता बादशाह अकबर ने पूर्ण गौरव से 52 साल राज किया। उन्होंने सब धर्म संप्रदायों के प्रति सुलह कुल की नीति को ग्रहण किया। सबकी रक्षा और पोषण करना ही उनके उदार हृदय का उद्देश्य था, इसलिए वो जगत गुरु कहलाए। लेकिन आपकी अमलदारी में सेना अस्थिर है और व्यापारी अत्याचार से पिसे हुए हैं। ऐसी दुर्दशा में हिंदू प्रजा के ऊपर जजिया का बोझ लाद देने के लिए आपके राजशाही दिल ने आपको कैसे प्रेरित किया? बादशाह सलामत, यदि आप खुदा की किताब में विश्वास करते हो तो उसे देखें। आपको मालूम होगा कि वहां लिखा है, सबका मालिक एक है। वो केवल मुसलमानों का ही मालिक नहीं है। यथार्थ में इस्लाम और हिंदू धर्म दो भिन्न शब्द मात्र हैं, माने दो भिन्न रंग हैं, जिनसे स्वर्ग के चित्रकार ने रंग देकर मानव जाति के चित्र को पूरा किया है। यथार्थ में धर्म के अनुसार जजिया किसी प्रकार से भी न्याय संगत नहीं है। औरंगजेब को शिवाजी की सलाह नहीं माननी थी सो उसने न मानी, लेकिन शिवाजी ने अपने राज्य में कभी धर्म के आधार पर कोई फर्क नहीं करने का फैसला किया। महिलाओं की सुरक्षा और आदर उनका विशेष लक्ष्य था। शिवाजी महाराज सांगत असत की कोणत्याही स्त्रीला, शिवाजी महाराज कहते थे कि किसी भी स्त्री पर कभी भी अत्याचार नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं। स्त्री किसी भी धर्म की हो वो वंदनीय है, स्त्री माता के समान है। शिवाजी महाराज ने सैनिकों को यही सीख दी थी। शिवाजी के नेतृत्व में हिंदवी स्वराज की सीमाएं खूब फैली। शिवाजी का राज्य सूरत शहर से 60 मील दक्षिण में कोली देश से लेकर
गोवा के दक्षिण में करावर शहर तक था। इस बीच में पुर्तगालियों के दो प्रदेश गोवा और दमन छूट जाते थे। इस राज्य की पूर्वी सीमा रेखा बगलाना होती हुई दक्षिण की ओर नासिक और पुणे जिले के मध्य भाग से निकलती थी। इसके आगे से ये सतारा और कोल्हापुर जिले में घूमकर उत्तर कर्नाटक के किनारे गंगावती नदी पर जाकर खत्म होती थी। बाद में शिवाजी ने बेलगांव के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे बसे कोप्पल जिले पर अधिकार कर लिया था। इसके अलावा जिंजी और बिल्लोर जैसे कई इलाके शिवाजी के राज्य में आ गए थे। गुजरात से लेके तमिलनाडु के मद्रास तक, जिंजी तक शिवाजी महाराज का साम्राज्य 48 डिस्ट्रिक्ट इसमें फैला हुआ था। पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं फैलाया ये भी बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने जो स्वराज्य की स्थापना की है ना, एक्सपांशन किया है, वो एक लाइन है गुजरात से लेके मद्रास तक, मतलब पूरा समुंदर किनारा जो है ना, अंग्रेज़ों को टैकल करने के लिए राजनीति थी कि अगर मद्रास की कोई चीज़ दिल्ली में जानी है तो मराठों से पंगा लेना पड़ेगा, और आगरा से कोई चीज़ मद्रास की तरफ आनी है तो पहले मराठों को आपको टैकल करना पड़ेगा। हमने पेशवा, वजीर और दबीर जैसे नाम बदल दिए हैं, क्योंकि ये हमारी भाषा में नहीं। हमने राज्य का शासन चलाने के लिए 8 मंत्रियों का चुनाव किया है और ये अष्ट प्रधान कहलाएंगे। हर बीघे जमीन की पैदावार निश्चित होने के बाद उसके 2 भाग राजा को दिए जाएंगे और 3 भाग प्रजा को मिलेंगे। सैनिकों को हमारा आदेश है कि वो शत्रु देश में स्त्रियों को और बच्चों को हाथ नहीं लगाएंगे, गाय को हाथ नहीं लगाएंगे। स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार करने पर उन्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। जहां पे मंदिर होंगे वहां पे पूजा पाठ की व्यवस्था हम करवाएंगे। मस्जिदों में और पीरों में दीप जलाने के लिए धन दिया जाएगा। हिंदू धर्म का रक्षण महाराज ने किया। जो धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कुछ लोगों ने किया था यहां तक गोमन तक में, बारदेश में, गोवा में, तो महाराज जिन्होंने धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया वो लोगों को भी मार गिराया। खुद के धर्म का रक्षण महाराज ने किया, लेकिन दूसरे धर्म का कभी विद्वेष नहीं किया। यह शिवाजी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने नौसेना के विकास के लिए कई कदम उठाए ताकि समुद्र पर प्रभाव बढ़ा सके। कहा जाता है कि शिवाजी के पास तरह तरह के करीब 400 जहाज थे। आर्मार कसं निर्माण करायचं, नौसेना का गठन कैसे किया जाए, शिवाजी ने हमें समुद्र की सामरिक नीति सिखाई। ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हमें शिवाजी ने सिखाई। शिवाजी महाराज ने बचपन में कभी समुद्र नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने एक बड़ी नौसेना खड़ी की थी। उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन नेवी मतलब जाता है। शिवाजी ने जीवन भर संघर्ष किया और इस संघर्ष का नतीजा था स्वाधीन, स्वाभिमान और धर्म की रक्षा करने वाला राज्य। राज्याभिषेक के बाद बहुत दिनों तक शिवाजी जीवित नहीं रहे, लेकिन उनके विचार तब तक अमर हो चुके थे। शिवाजी के बाद भी मराठे अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी। शिवाजी ने जिस राज्य का निर्माण किया था वो फौज के बल पर चलने वाला राज्य नहीं था, बल्कि नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखने वाला, रक्षा करने वाला राज्य, अपनी भाषा अपनी संस्कृति को महत्व देने वाला राज्य, सभी धर्मों को न्याय देने वाला राज्य। शिवाजी सिर्फ अपने युग के नायक नहीं थे, वो आज भी अपने कर्म से, अपने वचन से पूरे देश को दिशा दे रहे हैं। भारतवर्ष के 10 महापुरुषों की महागाथा हमने आपको दिखाई। ये सफर महात्मा बुद्ध से शुरू हुआ और आज शिवाजी पर खत्म हो रहा है। न्यूज टेलीविजन के इतिहास में यह सीरीज मील का पत्थर साबित हुई। तथ्यों से छेड़छाड़ किए बगैर जिस रोचक और प्रभावशाली तरीके से इस कार्यक्रम को पेश किया गया है, उसी का नतीजा है कि लाखों लोग कार्यक्रम प्रसारित होने के बाद भी YouTube और ABP न्यूज की वेबसाइट पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारा आपका रिश्ता यूं ही बना रहेगा। एक बात और, भारतवर्ष को महान बनाने में और हजारों महापुरुषों का योगदान रहा है। भारतवर्ष सीरीज का यह सफर यहां खत्म हो रहा है, लेकिन
उन महापुरुषों की जिंदगी से सीखने का सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे। भारतवर्ष महानायकों की गौरव गाथा अनुपम खेर के साथ।